में सरकारी जमीन है तो फिर दलित समाज की ही जमीन में क्यों? अगर आपको औकात है तो जो दलित समाज के भवन में भवन बना रहा जा रहा दलित समाज के जमीन में, तो फिर आप फॉरवर्ड के जमीन बना के दिखा दीजिए। क्या वो विधवा है तो उसको मान सम्मान के जीने का अधिकार नहीं है? देखिए भाई साहब, आज के डेट में दलित समाज को जमीन लूटना, इज्जत लूटना और जान लूटना बहुत ईजी हो गया है। दलित बैकवर्ड को फंसाना और फॉरवर्ड को बचाना बहुत ईजी हो गया है। कहाँ से हो साहब? आएंगे कि हम आए? नीचे बुलाइए उनको। कितना जगह है वहाँ पे खड़ा होने का? वो आ जाए, वो वहाँ खड़ा तो सुन ले। मंत्री हैं, एक बार सूचना तो कर दीजिए। सीईओ साहब जो है हम लोग का नौकर है और हम लोग उनका मालिक है। क्या सीईओ साहब के यहाँ से मलाई चावने के लिए बैठाया गया है? क्या दलित समाज के जमीन लुटवाने के लिए यहाँ बैठाया गया है? क्या दलित समाज पर शोषण जुल्म अत्याचार करवाने के लिए यहाँ बैठाया गया है? क्या दलित समाज को सिर्फ ब्लॉक में दौड़ाने के लिए बैठाया गया है? देखिए, बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी है बिहार के गया जिला के टिकारी अंचल कार्यालय में जो है ताला मारने के लिए पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि यहां से शिकायत मिली है कि यहां पर जो है सीओ के द्वारा जो है जमीन मामले को लेकर जो है धांधली की जा रही है, जिसको लेकर जो है गोल्डन दास जी अपने पुराने अंदाज में जिस तरीके से जाकर ताला मारते हैं उसी तरीके से। गोल्डन जी, आज आप लोग जो है टिकारी में अंचल कार्यालय पर सीओ का घेराव करने पहुंचे हैं, क्या उद्देश्य है, किस पर्पस से आए हैं? देखिए, टिकारी ब्लॉक अंतर्गत एक दलित विधवा महिला का जमीन है और वहां पर किसी भूमाफिया के द्वारा या सरकार स्तर से मिली भगत करके दलित विधवा महिला का जमीन लूटने का प्रयास किया जा रहा है। वहां पर अशोक सम्राट का भवन बनाया जा रहा है, वो भी षड्यंत्र के साथ। मेरा कहना है, जब सरकारी भवन है तो क्या टेकारी में सरकारी जमीन नहीं है? अगर टेकारी में सरकारी जमीन है तो फिर दलित समाज की ही जमीन में क्यों? अगर आपको औकात है तो जो दलित समाज के भवन में भवन बना रहा जा रहा दलित समाज के जमीन में, तो फिर आप फॉरवर्ड के जमीन बना के दिखा दीजिए। क्या वो विधवा है तो उसको मान सम्मान के जीने का अधिकार नहीं है? तो कागज होगा ना गोल्डन जी? सारा चीज हमारे पास, चौहद्दी, खतियान, रजिस्ट्री, सारा चीज मैं लेके आया हूँ। तो फिर कैसे फिर दूसरे के नाम से वहाँ पर जो है जमीन बन रहा है घर? देखिए भाई साहब, आज के डेट में दलित समाज को जमीन लूटना, इज्जत लूटना और जान लूटना बहुत ईजी हो गया है। दलित बैकवर्ड को फंसाना और फॉरवर्ड को बचाना बहुत इजी हो गया है। कौन तो बचा रहा है दलितों? यहाँ के अंचला अधिकारी इतना बड़ा घुसखोर और इतना बड़ा भ्रष्ट है कि हाई कोर्ट जब गए और यहाँ से रिपोर्ट मांगा गया तो यहाँ के हरामखोर एक अमीन है, वो बोल दिया कि सरकारी जमीन में वो भवन बन रहा है। तो अरे हरामखोर अमीन चोट्टा, जब वो सरकारी जमीन में सरकारी भवन बन रहा है तो मेरा जमीन में मकान कौन बना लिया? मेरा जमीन कहाँ है? तुम नाप को दो। अगर मेरा कागज सही है तो अमीन यहाँ पर जो सरकारी जो वर्तमान में पोस्टेड है ना, उनको हम फीस दे रहे हैं। सीईओ साहब उस अमीन को एक डेट रखें और अभी फिलहाल उस काम को बंद करा दें। तो सरकारी अमीन पर आपको भरोसा नहीं है? देखिए, सरकारी अमीन अगर सही होता तो झोला छाप सरकारी अमीन वहाँ रिपोर्ट बना कैसे दे दिया कि सरकारी जमीन बन रहा? ठीक है, सरकारी जमीन बन रहा, फिर मेरा जमीन कहाँ है उसका घर में? तो अगर यहाँ के सीईओ ईमानदार और न्याय प्रिय है तो फिर अभी और इसी वक्त वहाँ काम बंद करवाए और महिला को जमीन जो है इसको कब्जा कराने का काम। जमीन का मामला है गोल्डन जी? कितना जमीन? 15 डिसमिल जी। वो पूरा जमीन पे बन रहा है? पूरा जमीन पे बन रहा है। पूरा जमीन सरकार हड़प रहा है? सरकार हड़प रहा है कि यहाँ के पूंजीपति सामंतवादी और मनुवादी? वो जमीन दलित विधवा महिला को पहले षड्यंत्र करके उसको खरीदने का प्रयास किया गया। जब वो नहीं बेची तो उसको धमकी देकर उस जमीन को लूटने का प्रयास किया गया। जब उससे भी इसको दाल नहीं गला तो ये षड्यंत्र रच के सरकार से, जान ही रहे हैं कि आज समानतावादी और मनुवादी और धन बल बाहुबल के ऊपर तक कब्जा है, तो लोग वहां से मिली भगत करके और कोई फंड लाया है और उसी जमीन में बना रहा है। ये कहाँ तक से आप के सीईओ पर अगर ईमानदार हैं, न्याय प्रिय भी हैं, तो फिर उस जमीन को अभी काम बंद करा दे और नापी करा ले। मेरा जमीन है तो हमको दे दे, और नहीं है फिर बनाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा जमीन गया कहाँ?
कागज मेरा है, उनका जमीन था। इसमें प्रशासन में कोई मामला नहीं है, सीओ जो होता है, अंचला अधिकारी जो होता है, सारा चीज लेके आए भाई, मेरा कागज जांच करवा लें। अगर मेरा हाई कोर्ट में रिट दायर भी किया गया, हाई कोर्ट से भी जवाब मांगा गया, तो कब देगा? बिल्डिंग बन जाने के बाद, ताकि वो नहीं टूटे। तो इसलिए ऐसे ऐसे भ्रष्ट सीओ के मैं असली औकात दिखाने के लिए यहाँ जहाँ का भी आप प्रोटेस्ट करते हैं, दलित और फॉरवर्ड करते रहते हैं, ऐसा क्यों भाई साहब? पैर अभी आपका टूटा है तो ऑपरेशन किसका? आपका पापा का होगा। शोषित अभी दलित बैकवर्ड मुस्लिम है, तो लड़ाई किसका लड़ा जाएगा? और बात रहा फॉरवर्ड का, जो आपको चौकीदार बनने नहीं देखना चाह रहा है, आपको चपरासी बनने नहीं देखना चाह रहा है, क्या वो आपको बिल्डिंग में रहते हुए देखना चाहेगा? क्या आपको विधायक, मंत्री, सांसद और DMSP बनने देखना चाहेगा? किसका लड़ाई लड़ा जाए अभी बताइए। अगर SC ST OBC मुस्लिम के समाज के साथ पहले ही बोले हैं कि अगर भारत में कहीं हुआ तो वहां गोल्डन दास मिलेगा। बेशर्म सीओ, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हाय 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 हाय। यहाँ पे कोई है पता कीजिए, तुमने देखिए है कोई? तब वहाँ चल के मलाई जब ने कहा सीओ साहब वाएंगे कि हम आए नीचे बुलाइए उनको, इतना जगह है वहाँ पे खड़ा होने का, वो आ जाए वहाँ खड़ा तो सुनने मंत्री है। एक बार सूचना तो कर दीजिए, सीईओ साहब जो है हम लोग का नौकर है और हम लोग उनका मालिक है। जो कहेंगे वो सुनना पड़ेगा, इसलिए कि सीईओ साहब हम लोग के खा रहे हैं, हम लोग सीईओ साहब का नहीं खा रहे हैं। और अगर सीईओ साहब ईमानदार हैं, अगर सीईओ साहब अच्छे हैं, तो फिर सबके सामने सार्वजनिक बात करने में उनको शर्म क्यों लग रहा है? यहाँ एक घंटा से दलित समाज आकर चिल्ला रहा है और वो क्या AC में मलाई चाप रहे हैं? क्या AC के बिल अपना घर से भरते हैं? हम लोग नमक, आटा, तेल जो लेते हैं उसका भी टैक्स भरते हैं, और वही टैक्स के पैसा से ये सीओ साहब के वेतन और AC का बिल आता है, ना कि सरकार अपना खेत बेच के देता है। तो खा रहे हैं मेरा, जमीन लुटा रहा है मेरा, यहाँ चिल्ला रहे हैं हम और वो AC में बैठ के मलाई चाप रहे हैं। क्या सीओ साहब के यहाँ सिर्फ मलाई चापने के लिए बैठाया गया है? क्या दलित समाज के जमीन लुटवाने के लिए यहाँ बैठाया गया है? क्या दलित समाज पर शोषण, जुल्म, अत्याचार करवाने के लिए बैठाया गया है? क्या दलित समाज को सिर्फ ब्लॉक में दौड़ाने के लिए बैठाया गया है? ये कौन सा न्याय है भाई? कौन सा सुशासन की सरकार है? हम कौन सा करें कि आप हमको दे दीजिए बिल्डिंग? अरे मेरा जो है वही तो दीजिए, और जब आपसे नहीं हो रहा तो कुर्सी छोड़ के भागिए। जो दबंग, जो ईमानदार न्याय प्रिय आएगा उसे हम ले लेंगे। गोल्डन जी, हर एक प्रखंड में देखा जा रहा है कि दलितों का जो है जमीन हड़पा जा रहा है, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? हर प्रखंड में गोल्डन दस पहुंचेगा, जहां जहां थी, पूरे भारत के हम बात बता रहे हैं। हमारे माननीय कंसीराम साहब बोले थे, जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी है, और जो जो सरकार, जो सरकारी जमीन जो कब्जा किया है मनुवादी है, धन बल और बाहुबल और फॉरवर्ड, मैं आपका न्यूज के माध्यम से सूचना देना चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द सबको जमीन छोड़ दे, और नहीं तो सब पर FIR दर्ज करा के जेल भेजने का काम किया जाएगा और जमीन भी छीन लिया जाएगा। इसलिए कि वो जमीन मेरा बाप के था, मेरा बाप का है और मेरा बाप का रहेगा।